द फर्स्ट थिंग कि एडमिशन कैसे लेते हैं निफ्ट में, कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसीजर क्या क्या है, निफ्ट का फी स्ट्रक्चर क्या है, निफ्ट में कौन सी स्कॉलरशिप्स है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। व्हाई निफ्ट इज सो इम्पोर्टेंट, निफ्ट में एडमिशन लेने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। जब भी मुझे कोई पूछता है कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है तो मैं क्यों निफ्ट सजेस्ट करती हूँ, उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। Welcome or welcome back to my YouTube channel. So if you're new here and watching me for the first time, then let me tell you, I'm Ashura Vagh and I'm clearly a fashion student. I have started this channel for my lifestyle, fun content, travel vlogs and some fashion education as well as. So if you're new here and watching me for the first time, then please consider subscribing to this channel. Also, this is episode 3 where I'm going to talk all about fashion designing. This episode gonna be a very informative and very special video because it's about NIFT just now. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी बिकॉज दैट्स व्हाट यू गाइस वांट मी टू डू। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दो चीजें रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। डोंट वरी गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वो तो आप वैसे भी कर ही दोगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। द फर्स्ट थिंग इज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, चाहे कितना भी बड़ा वीडियो बने, बट प्लीज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ आज, वो आपको कोई नहीं देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पर्सनल नॉलेज से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से गैदर की है। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसके बाद आपको निफ्ट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। द सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जिससे फैशन डिज़ाइनर बनना है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई बहन है, आपका कोई जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है जिन्हें फैशन डिज़ाइनर बनना है, प्लीज़ सेल्फिश मत बनिए। ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर कीजिए क्योंकि ये जो सीरीज़ है विच इज़ ऑल अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें जो भी नॉलेज मैं दे रही हूँ ये हर फैशन डिज़ाइनर को जानना बहुत ज़रूरी है, हर उस इंसान को जो ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है या फिर फ्यूचर में करना चाहता है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम हु वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक दैट व्हिच टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग कि एडमिशन कैसे लेते हैं निफ्ट में, निफ्ट की एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसीजर क्या क्या है और एवरीथिंग। द सेकेंड थिंग, निफ्ट का फी स्ट्रक्चर क्या है, निफ्ट में ग्रेजुएशन के लिए आपको टोटल कितना खर्चा आ सकता है, अच्छा निफ्ट में कौन सी स्कॉलरशिप्स है और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि व्हाई निफ्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, द एडवांटेजेस ऑफ निफ्ट क्या है, क्यों है निफ्ट इतना इम्पॉर्टेंट, क्यों एक प्राइमरी स्टेज है हर फैशन डिजाइनर के लिए। जब भी मुझे कोई पूछता है कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है तो मैं क्यों निफ्ट सजेस्ट करती हूँ, उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो द फोर्थ वन इज कि निफ्ट में एडमिशन लेने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्यों निफ्ट में मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होती तो शायद बेटर होता। एंड द फिफ्थ वन, टू मोस्टली आस्क क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू टेक एडमिशन इन निफ्ट, तो निफ्ट में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है हर अक्टूबर में। निफ्ट के फॉर्म्स निकलते हैं एंट्रेंस एग्जाम के और फिर आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, फिर दिसंबर तक वो फॉर्म्स आपके एक्सेप्ट होते हैं, फिर जनवरी में आपकी एग्जाम्स होती है, आफ्टर जनवरी मार्च में आपकी सिचुएशन टेस्ट होती है, उसके बाद जून तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है एंड देन अगस्त में आपका मिड अगस्त में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो जाएंगे तब मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर बता दूंगी, यू कैन फॉलो मी देयर। सो निफ्ट में एडमिशन लेने के 3 स्टेजेस हैं, कैट, गैट एंड सिचुएशन टेस्ट। सो कैट एग्जाम का होता है 50% वेटेज, गैट एग्जाम का होता है 30% वेटेज एंड सिचुएशन टेस्ट का होता है 20% वेटेज। इन सारे बेसिस पे आपको निफ्ट में एडमिशन मिलता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म की बात की जाए तो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म के लिए यू हैव टू पे 2000 रुपीज एंड देन आपको दिसंबर तक आपके फॉर्म्स सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एवरीथिंग जब आपको फाइनलाइज हो जाता है तो आपको एक मेल आता है दैट योर एग्जाम इज बीन सिलेक्टेड, आपका सेंटर डिसाइड होता है एंड देन यू हैव टू गो एंड गिव योर एग्जाम्स। ऑल दिस इज द प्रोसेस टू टेक एडमिशन इन नेम। आफ्टर योर सिलेक्शन आपको एक कॉल आता है काउंसलिंग के लिए, आपको मोस्टली वहाँ पे बुलाया जाता है और कभी कभी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कॉल पे भी हो जाती है। देन दे विल आस्क यू कि आप ऐसे सेंटर्स बताओ जहाँ पे आपको कैंपस चाहिए, ऑल ओवर इंडिया 16 कैंपसेस है, आपको कौन सा कैंपस चाहिए और फिर आपको राउंड्स होते हैं, देन राउंड्स वाइज आपको आपका कॉलेज मिल जाता है। फिर हॉस्टल के लिए भी बहुत ही कम जगह होती है, लाइक उनके पास अगर 3000 सीट्स है तो उनके पास सिर्फ 300 वैकेंसी है हॉस्टल के लिए, सो उसमें भी आपको रैंक वाइज हॉस्टल दिया जाता है। सो द सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि निफ्ट की फी स्ट्रक्चर क्या है,
निफ में आपको एजुकेशन करने के लिए कितना पूरा फाइनेंशियल कितना खर्चा आ सकता है, मैं कोई भी फिगर एग्जैजरेट नहीं करूँगी, यू कैन ऑलवेज चेक, मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, निफ के ऑफिशियल पेज पे सारा फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो गाइज, निफ में सेमेस्टर वाइज आपको फी पे करनी पड़ती है। फॉर फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू पे ₹1,29,000 समथिंग, एंड देन फॉर द सेकेंड सेमेस्टर यू हैव टू पे ₹1,34,000, फॉर द थर्ड सेमेस्टर यू हैव टू पे ₹1,40,000, एंड द फोर्थ सेमेस्टर यू हैव टू पे ₹1,50,000 ऐसे ही कुछ तो भी फिगर्स है, मैं आपको सारा फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दूंगी। सो इफ यू कंसिडर दिस फी स्ट्रक्चर, सो गाइज यू हैव टू पे ₹3.5 lakh पर ईयर, सो दिस इज अ लिटिल बिग अमाउंट। एज वेल एज अगर अपन 4 साल की बात करें तो पूरा इन सब को मिला के आपका अराउंड 14 lakh rupees तक का आपका खर्चा जा सकता है। द ओनली थिंग आई कैन सी विथ ऑल दिस कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग टू बी अ पार्ट ऑफ निफ्ट। सो निफ्ट ऑल्सो हैज़ द सार्थक पॉलिसी जिसमें सिर्फ 3 terms होते हैं। द फर्स्ट टर्म वेर योर पैरेंटल एनुअल इनकम इज लेस देन 1 lakh rupees, सो अगर आपके पापा की एनुअल इनकम 1 lakh rupees से कम है तो निफ्ट आपका पूरा खर्चा उठाएगा। 100% दे विल गिव यू, दे विल ऑफर यू स्कॉलरशिप, यू ओनली हैव टू पे फॉर हॉस्टल्स एंड मेस एंड बाकी एजुकेशनल जो भी खर्चा है, बट कॉलेज का खर्चा आपको पूरा की पूरा सार्थक पॉलिसी से थ्रू 100% दे विल गिव यू स्कॉलरशिप। सो द सेकेंड टर्म इज इफ योर पैरेंटल एनुअल इनकम इज लेस देन 2 lakh rupees, तो आपको निफ्ट ऑफर करता है कि यू हैव टू पे 50-50, तो जहाँ पे आपको 50% फीस जो होती है पे करनी पड़ती है, एंड स्टिल इट्स अ वेरी मिनिमल अमाउंट कि जहाँ पे आपको 14 lakh rupees फॉर 4 years पे करने पड़ने वाले हैं, वहाँ पे आपको समहाउ 3 lakhs और 4 lakhs समथिंग इट विल राउंड अप फॉर 4 years, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है इफ़ यू कंसिडर। एंड देन द थर्ड टर्म विच इज़ द लास्ट टर्म, जहाँ पे आपको निफ्ट ऑफर करता है 75% स्कॉलरशिप अगर आपके पैरेंटल एनुअल इनकम 4 lakh से कम है, सो आपको फिर भी 6-7 lakh rupees यू हैव टू पे फॉर 4 years, विच इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल। सो अगर आपको इन अगर आपके पैरेंटल एनुअल इनकम इन तीनों टर्म्स में नहीं आती है, देन देर इज़ नो अदर ऑप्शन गाइस, निफ्ट में कोई निगोशिएटिंग नहीं होती है, आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ती है, एंड इट्स अ वेरी हाई अमाउंट, बट एट द सेम टाइम इट्स वर्थ इट। सो द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इज वाई निफ्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, निफ्ट क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़ कि इंजीनियर के लिए IIT कॉलेज से इंजीनियरिंग करना, वैसे ही फैशन डिजाइनर्स के लिए निफ्ट कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग करना, इट्स दैट सिमिलर। सो गाइज अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है एंड इफ़ यू हैव द निफ्टियन टैग तो आपकी तो निकल पड़ी, लाइक इट्स अब कोई और कॉम्पिटिटर बैठा है कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए और आपके पास निफ्टियन का टैग है कि आप निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग की है आपने, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट विल बी योर डे, क्योंकि निफ्टियन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो है जैसे कि सभ्यसाची, उन्होंने भी निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग की है, सो इट इज़ वेरी बेसिक कि अगर आप निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग करते हो देन योर करियर विल बी डेफिनेटली गोइंग टू द टॉप। सो निफ्ट को 17th रैंक मिला था पूरी दुनिया में कि बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, सो दैट इज ऑल्सो द रीज़न कि निफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्ट के 16 campuses है कि पूरे 16 campus की लिस्ट में आपको यहाँ पे दे दूंगी, जिसमें से मुझे बेस्ट लगते हैं कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर इज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अगर आपको ये इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग करने का मौका मिल गया देन यू आर द लकीस्ट पर्सन एवर। निफ्ट के ये सारे एडवांटेजेस मुझे लगते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर पाते हो निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग करना देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर निफ्ट। सो द फोर्थ वन इज कि निफ्ट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नो ऑफेंस, ये पर्सनली मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि लाइक सी निफ्ट में एडमिशन लेने की प्रोसेस इतनी ज़्यादा लेंदी है, लाइक यू हैव टू फिल अ एग्जाम फॉर्म इन अक्टूबर एंड देन जाके आपका रिजल्ट लगता है जून में, और बीच में इतनी सारी प्रोसेसेस है जैसे कि जनवरी में आपको एग्जाम देना पड़ता है, देन यू गेन यू हैव टू ट्रैवल टू द सेंटर, आपको पता नहीं फिर सेंटर कहाँ पे मिलता है, वो आपके लिए इतना कन्वीनियंट होता है या नहीं होता है, मार्च में आपकी सिचुएशन टेस्ट होती है, फिर अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में होता है तो इंटरव्यू भी देना पड़ता है, देन द होल प्रोसेस इज वेरी लेंदी, लाइक उस प्रोसेस के दौरान चीज़ें बहुत डिफर करती है। सो अगर बेटर होता है कि निफ्ट का अगर एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी ईजी होती तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता और पेरेंट्स के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता। द सेकेंड थिंग मुझे लगती है कि अपन एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं देन दे चार्जेस 2,000 rupees पर स्टूडेंट,
और हर साल निफ्ट में 15,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, और वो भी एज पर द कैटेगरी। अगर आप ओबीसी ओपन में हो देन यू हैव टू पे 2,000 रुपीज़, अगर आप एससी एसटी हो देन यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़। तो ऐसा क्यों, लाइक स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम की फीस पे करने की मिनिमम फीस होनी चाहिए और सेम फीस होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा। इन चीज़ों को अगर निकाल दिया जाए तो निफ्टी इज द बेस्ट। और इट्स टाइम फॉर टू मोस्टली आस्क क्वेश्चन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दी आपने क्यों निफ्ट में एडमिशन नहीं लिया और क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि आपने NIFD में एडमिशन लिया। सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने NIFD में एडमिशन लिया। हालांकि NIFD मेरी सेकेंड प्रायोरिटी थी, मेरा प्लान बी था कि अगर मुझे निफ्ट में एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं प्लान बी इज कि मैं NIFD में ही जाऊँगी। निफ्ट में एडमिशन नहीं लेने की बहुत सिंपल वजह है कि जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था अक्टूबर में, तो उसके बाद में मेरा फॉर्म दिसंबर में सिलेक्ट हुआ। देन आई गॉट ईमेल का एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एंड यू हैव टू कम फॉर एग्जाम, जो कि मेरा सेंटर था मुंबई, एंड आपको 22 जनवरी को आपको एग्जाम के लिए आना पड़ेगा। बट द थिंग वॉज कि उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग में थी, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, एंड उस टाइम पे एट द सेम टाइम मेरी एग्जाम थी, IAS एग्जाम हम जिसे बोलते हैं, यूनिट टेस्ट यू कैन कॉल, कि एग्जाम थी। देन आई हैव अ चॉइस कि मैं या तो निफ्ट के एग्जाम के लिए जाऊँ या फिर मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम दूँ। देन ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस कुछ और था नहीं, मुझे इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए रुकना पड़ा बिकॉज दैट वॉज वेरी मैंडेटरी। अगेन जब मेरा इंजीनियरिंग हो गया सो मैं बहुत ही ज़्यादा इंपेशेंट थी इस चीज़ को लेकर कि नहीं अब मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वॉज माई ड्रीम एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड NIFD वॉज ऑलवेज माई प्लान बी, सो आई चूज NIFD। बट दैट टाइम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार मतलब लाइक वॉट इज माई ड्रीम, माई ड्रीम इज टू बिकम निफ्टियन और माई ड्रीम इज टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। सो दैट वॉज वेरी ऑब्वियस आंसर कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। एट द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहिए क्या। मेरा ये नहीं था कि मुझे निफ्ट से ही फैशन डिजाइनिंग करनी है, मेरा ये था कि नहीं मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, बिकॉज सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप में स्किल्स कितने हैं, आप में पोटेंशियल कितने हैं, आपकी क्रिएटिविटी लेवल कितनी है। फिर आप निफ्ट से करो या NIFD SC करो या फिर कोई और फैशन इंस्टीट्यूट से करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड योर एबिलिटी। अल्सो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि फैशन डिजाइनिंग करना एक बहुत ही बड़ी बात है, फाइनेंशियली भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है अगर आप निफ्ट में फैशन डिजाइन करते हो। सो 14 लाख रुपीज़ फॉर 4 ईयर इज जस्ट अ फी स्ट्रक्चर। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे हॉस्टल फीस हो या बाहर रहने खाने का खर्चा बोला जाए, या फिर एजुकेशनल आपके वर्कशॉप का खर्चा बोला जाए, आपके फैशन शो का खर्चा बोला जाए, फैब्रिक का खर्चा बोला जाए, पोर्टफोलियो का खर्चा बोला जाए, द लिस्ट इज वेरी बिग। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो। सो द सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, कैन यू टेल मी द इनिशियल सैलरी ऑफ फैशन डिजाइनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स इन निफ्ट एंड व्हाट कैन बी द सैलरी आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री। माई आंसर इज कि अगर आप में फैशन डिजाइनिंग निफ्ट से करते हो तो आपको स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट 20,000 तक मिल सकती है, एंड अगर आप फैशन डिजाइनिंग किसी और इंस्टीट्यूट से कर सकते हो तो आपकी सैलरी हो सकती है 10,000 से 15,000 के बीच में फॉर मंथ। और अगर आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या फिर कोई भी ब्रांड फैक्ट्री या फिर किसी भी अच्छी जगह पे अगर आप वर्क करते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी आफ्टर 3-4 ईयर्स विल बी रीच टू 50,000। देयर इज वन शाउट आउट कमेंट जो कि श्रुति चौहान से, हे डूड आई वेंट थ्रू ऑल योर वीडियोज एंड आई फाउंड दैट टू अप्रिशिएबल फॉर मी, आई जस्ट फॉलोड यू ऑन इंस्टाग्राम एंड हाई श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी हेयर एंड यू कैन directly talk to me, any one of you, if you have any query related to fashion designing, you can directly talk to me on my Instagram channel. So yeah guys, thank you so much for watching, please like this video, tell me and comment down below ki aapko ye video kitna helpful lagta hai. Also in the next series which will come on next Wednesday, I will going to talk about the 5 books that you should read to become a fashion designer, jo ki maine personally read ki hai, aur agar aapko NIFT mein admission lena hai then you should must read those books, which will come on next Wednesday. You can also press the bell icon to get notified. So yeah, thank you so much for watching this, we'll meet in our next video. Until then, be a reason someone smile and keep smiling. मैं आपको Instagram पे बता दूंगी, you can follow me there.